नमस्कार इंडिया, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं ट्रिक्स एक्सपर्ट। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं भारत सरकार द्वारा ICAR के अंतर्गत जो सीफा की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है मछली पालन को लेकर, मैं आपका उसका टूर कराऊंगा, उसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों ये जो आपको संस्था दिख रही है, ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है दोस्तों, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है मछली पालन के तमाम तरह के जितने भी आयाम, जितने भी एस्पेक्ट हैं उस पर। ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है दोस्तों भारत सरकार के अंतर्गत, और यहाँ पर आप अगर ट्रेनिंग लेते हैं मछली पालन को लेकर तो आपको बिगनिंग से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक सब कुछ की ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ देखिए तरह तरह के तालाब बनाए गए हैं और इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाता है अलग अलग चीज़ों के लिए, प्रॉन के लिए, मोती के लिए, मछली के लिए, मछलियों में भी अलग अलग प्रजाति के लिए। यहाँ देखिए बीच हैचरीज टाइप के हैं, यहाँ अलग से देखिए तालाब है, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के लिए या फिर और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको जो ट्रेनिंग मिलता है दोस्तों वो एक्सपर्ट्स के द्वारा मिलता है, वो भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कहने कर सकते हैं आधिकारिक रूप से सरकारी नौकरी करने वाले वो लोग हैं जो आपके यहाँ, जो आपको यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। देख रहे हैं कितनी तरह से अलग अलग बॉक्सेस में तालाब यहाँ पर बनाए गए हैं। तो दोस्तों अगर आप मछली पालन की ट्रेनिंग के बारे में सोच रहे हैं तो सीफा आपको जाना है। एड्रेस और सब कुछ मैं आपको डिटेल में दूंगा, चिंता ना करें। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और पूरे इस जो इंस्टीट्यूट है इसका टूर कीजिए। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से छोटे छोटे तालाब टाइप में बनाया गया, और इन सब में दोस्तों तरह तरह की मछलियाँ और तरह तरह के बीज कह सकते हैं, मोती की खेती, प्रॉन की खेती या फिर इस तरह की चीज़ें हैं सब एक्सपेरिमेंटल। आपको जितने यहाँ पे तालाब दिख रहे हैं दोस्तों सब एक्सपेरिमेंटल है, और जो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जितने भी लोग यहाँ ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उनको ट्रेनिंग कराने के लिए बाकायदा यहाँ प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं। उन सभी के द्वारा आपको खुद से सब कुछ करने के लिए दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये देखिए कितने अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक रूप में पूरे तरीके से बॉक्स बनाए गए हैं, और साइड में देखिए किस तरह से केले के पेड़ भी लगाए गए हैं। ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा बड़ा और काफ़ी इम्प्रूव्ड है यहाँ का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। सीफा नाम से आपको ये मिलेगा, है ना। आप देख सकते हैं ये पूरा डिटेल आपको मैं बताने वाला हूँ, सब कुछ चिंता ना करें, पहले आप एक बार विजिट कर ले। ये देखिए ये जो आपको व्यू दोस्तों दिखाई मिल रहा है, ये व्यू आपको कह सकते हैं ड्रोन व्यू है एक तरह से, और ये इसलिए दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ ताकि आप सभी मोटिवेट हो सके, आप सभी समझ सके कि हाँ अगर ट्रेनिंग चाहिए वाकई में, अगर मछली पालन के क्षेत्र में, मछली पालन के बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो यहाँ एक बार ट्रेनिंग जरूर लेना है। यहाँ दोस्तों अगर आप एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो आपको यकीनन कई तरह के फैसिलिटीज़ और कई तरह के चीज़ें से जानकारी देंगे। उसमें आप कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उससे आपको वो लिंकअप कर पाएंगे। उसके साथ ही साथ दोस्तों आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आने पे, बीमारी होने पे मछलियों को क्या क्या करना चाहिए, क्या आपको हेल्दी डाइट देना चाहिए, ये तमाम तरह की चीज़ें आपको ये बताते हैं। ये पूरा व्यू देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा सीफा इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आता है, और ये जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए लाया है ये वीडियो ऑफिशियली उन्हीं के द्वारा बनाया गया है आप सभी को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। ये देखिए पूरा ड्रोन व्यू आप देख सकते हैं पूरे इंस्टीट्यूट का, यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है, और यहाँ पर एजुकेशन के बेस से जो BSc AG करते हैं या हॉर्टिकल्चर में जाते हैं, फिशरीज कल्चर की पढ़ाई करते हैं, वो यहाँ पर स्टूडेंट आपको पढ़ते भी मिलेंगे। ये उनके लिए डेवलप किया हुआ दवा है दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।